हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 2020 की ऐप पहल और हेल्पलाइन के बारे में। आज हम बात करेंगे मनी मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसने किया था, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक ने। दामिनी हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने। इनकी हेल्पलाइन संख्या 139 भारतीय रेलवे ने इसका उद्घाटन किया था। संतुष्ट नामक विशेष प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया था श्रम मंत्रालय ने। हेल्पलाइन 1950 मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का हिमाचल माई गांव, इसके ऑनरशिप है हिमाचल प्रदेश। सुकन्या परियोजना किसने शुरू की थी, तो वो है कोलकाता पुलिस ने। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वेब पोर्टल को लॉन्च किया था रक्षा मंत्रालय ने। रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी को लॉन्च किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। पूर्वोदय को लॉन्च किया था इस्पात मंत्रालय ने। माई ऐप्स को लॉन्च किया था HDFC बैंक ने। और हाईवे 200 यूनिकॉर्न को लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ ने। राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस समाप्ति कार्यक्रम को लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। अपना यूरिया सोना उगले हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड ने इसे लॉन्च किया था, यानी ये इनकी स्लोगन भी है। ICICI बैंक API बैंकिंग पोर्टल को लॉन्च किया था ICICI बैंक ने। स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गोवा ने। स्तन कैंसर स्क्रीनिंग पहल, इसको भी लॉन्च किया था गोवा ने। सक्षम ऐप पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने। सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन को लॉन्च किया था चुनाव आयोग ने। परीक्षा पे चर्चा, इसको लॉन्च किया था PM मोदी ने। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसको लॉन्च किया था केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। भूकंपी खतरा माइक्रोजोन परियोजना, इसको लॉन्च किया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। कार्डलेस कैश विदड्रॉल ICICI बैंक ने इसे लॉन्च किया था। एम पैसा, इसको लॉन्च किया था वोडाफोन ने। हाईवे 200 यूनिकॉर्न, इसको लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। मनी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था भारतीय रिजर्व बैंक ने। दामिनी हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने। इसकी हेल्पलाइन संख्या 139 भारतीय रेलवे। संतुष्ट नामक विशेष प्रकोष्ठ श्रम मंत्रालय। हेल्पलाइन 1950 मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हिमाचल माई गांव हिमाचल प्रदेश। सुकन्या परियोजना कोलकाता पुलिस।